अभी जो नतीजे आए ना, 2014 में जो सरकार अपने दम पर बहुमत वाली, 2019 में उससे ज्यादा बहुमत वाली, लेकिन अब की बार जो सरकार बनी है तो बीजेपी के पास अपने दम पर तो पूर्ण बहुमत है नहीं, और हर तरफ से सीख यही दी जा रही है कि संतुलन बनाकर चलना होगा। तो ये बाबा योग जी, वाली सरकार है बाबा जी, ये योग वाली सरकार है, और इसके लिए आसन योग वाली, क्योंकि अभी तक अभी तक तो सुखासन नहीं होगा था ना, दोनों बार 14 में भी और 19 में तो जनता ने सुखासन में बिठाया। इस बार कौन सा वाला सिंहासन था, इस बार कौन सा वाला, इस बार वाला योग वाला आसन है, ताड़ासन मुझे लगता है, बैलेंस बनाने वाला। हाँ ये है वृक्षासन, वृक्षासन ये वाला, अब ये इसमें बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, शाखाओं को जोड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, और थोड़ा स्थिरता चाहिए, धीरज चाहिए और बैलेंस चाहिए, ऐसे बैलेंस बना ले। और बैलेंस तो बनाना, जब योग करना आता है मोदी जी को तो बैलेंस बना लेंगे। नीतीश जी कहीं नहीं जाने वाले, कुछ लोग 2.5 साल में सरकार गिर जाएगी। उनको कौन सा आसन करना चाहिए आपके लिहाज से? अब आप लोग जो है ना, इतना उनको बदनाम कर दियो हो, पलटू राम, पलटू आसन, पलट आसन तो उनका पलट आसन बोलते हैं। अगर आप इन बच्चों से कोई एक ऐसा आसन करा लें जो सियासतदानों को संदेश करता है, ए निपुण इधर आओ, दो पलटी मारो, देखो कैसे पलटी मारते हैं। ये नीतीश जी वाला हो रहा है पलट आसन। हाँ देखो, अरे राम 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 राम, इतनी तेजी से ये तो गुलाटियां गा रहे हैं। ये बिहार की राजनीति को आपने योग के फॉर्म में समझाने की कोशिश कर दी महाराज जी। बाबा ये बस 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 बस, जो पीछे कर रहा है, जो पीछे चल रहा है क्या वो पंचकर्मा है? हाँ ये तो चल रहा है, ये बेटियां हैं, वो कहते ना मारी छोरी, छोरा था कम नहीं, तो ये मारी छोरी है, बेटियां हैं। और महाराज जी, हरियाणा में 5-5 का मुकाबला, 5 सांसद हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बराबरी की लड़ाई चल रही है नूरा कुश्ती? अरे राम 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 राम, अब हरियाणा को बीच में ले आए तुम, ये है क्यों आपका गृह क्षेत्र, श्रृंगी चिकित्सा, जिनको भयंकर कमर में दर्द होता है ना, अच्छा 10 साल का दर्द 10 मिनट में गायब, सियाटिका, लोमोस्प्लाइटिस, एंकलोजिंग स्प्लाइटिस, और जिनको पूरा शरीर अकड़ जाता है ना, एंकलोजिंग स्प्लाइटिस, वो भी अच्छा हो जाता है। इसको प्रेशर बना करके ऐसे खींच दिया, फिर इसमें अंदर टांच लगा करके और फिर गंदा खून निकालते हैं ऐसे, ये देखो ये लीच लगा रहे हैं, लीच वाला इलाज, ये लीच जो है जोंक, ये आराम से दर्द तो नहीं हो रहा, सुई जैसा होता है हल्का सा, ये खून पी करके 50-50 ग्राम खून पी लेती है अंदर का, ये वेरिकोज वेंस के लिए, कहीं पर भी बॉडी में, कहीं कोहनी में, गर्दन में, कहीं पर भी दर्द है उसके लिए, और ये तो पूरी एक साथ 10-20 सुई चुभोते हैं और इसमें करंट भी छोड़ते हैं, इसका नाम एक्यूपंचर है, ये भी बड़ी जबरदस्त है, ट्रेडिशनल मर्म चिकित्सा। पर बाबा जी, एक बार जब इस तरीके की चीजें चलन में आती हैं तो फिर कहीं ना कहीं इनका गलत इस्तेमाल भी होने लगता है। आपके यहाँ ये सब जो हो रहा है तो प्रशिक्षित लोग हैं जो डॉक्टर है, BNYS किया इन्होंने, पूरा 5 साल पढ़ाई की है, फिर 5-10 साल इसकी प्रैक्टिस की, उसके बाद ये लगा रहे हैं, डॉक्टर विवेक है, तो इसीलिए 7 साल हो गए, 7 साल हो गए लगाते हुए एक्यूपंचर। किस किस में फायदा करता है? एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में और लोअर बैक एक में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, और कहीं भी पेन हो, वो माइग्रेन का हो, हेडेक जनरली हो रहा है, या फिर आज मेरे से मिली वो बोली तो स्वामी जी 10 साल से नींद नहीं आई थी, एक्यूपंचर करवाया, सुबह हिला के उठाना पड़ा, नींद वाली समस्या पे, नींद के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा, क्योंकि इंसोम्निया, नॉस्टैल्जिया, ना जाने कितने शब्द आजकल नए तो नहीं है लेकिन पॉपुलर है, ये ब्राह्मी घृत से, हाँ ब्राह्मी घृत से भी कराते हैं, कोकोनट वर्जिन ऑयल से भी कराते हैं, दूध से भी कराते हैं, दूध से। महाराज जी, घर पे आसानी से हो पाए ताकि नींद अच्छी आए, ये जरूर जानना है आपसे। हाँ तो घर पे पत्नी लेट जाए और पति उसके सिर पर ऐसे टपका दे गिलास से, या वो जग आता है ना, जग है ना जिसमें लोग चाय, खाली होने पे छोड़ना नहीं है ना। तो मैंने बोला पत्नी लेट जाए, पति करे, पतियों को थोड़ी सेवा करनी चाहिए पत्नियों की, तो उनको स्वर्ग का लाभ मिलता है। तो इधर ये बच्चे सूर्य नमस्कार सैकड़ों बार कर चुके हैं, ऐसे सूर्य नमस्कार करने से ना, अब इससे पूरा शरीर का व्यायाम हो जाता है, एक एक बाइसेप, ट्राइसेप, पेट, बिल्कुल ये बाइसेप। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, आजकल बड़े वीडियोस ऐसे आ रहे हैं कि बिल्कुल तंदुरुस्त व्यक्ति और अचानक से किसी शादी ब्याह के मौके पर हार्ट अटैक, नाच रहा है, गा रहा है और देखते देखते वो गया, एकदम चला गया। मतलब ये यहाँ पर युवा हैं और ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनको देखकर मेरे मन में ये ख्याल आया, इससे बचने का उपाय बताइए, और ये सब हो क्यों रहा है इतना ज्यादा? देखो, एक तो कोरोना के समय लोगों ने हाई डोज ऑफ स्टीराइड
एंटीबायोटिक्स, फिर डबल वैक्सीनेशन, फिर बूस्टर डोज। अब देखो बच्चे तो ये एक साथ, इसको स्तूप बोलते हैं अलग। कितना सुंदर लग रहा है ये। हाँ, और ये कितना सुंदर लग रहा है, ये पूर्ण उष्ट्रासन है जी। हाँ, तो ये हार्ट अटैक ना है, इसके लिए कम से कम 3 अभ्यास कर सकते हैं। देखो खड़े खड़े ये कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, ये हार्ट के लिए, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे, और फिर अरे इधर तो ये उलझी पड़ी है अभी। द्विपाद आसन कर रही है ये, ये ये तो गर्भासन, गर्भासन कर रही है। क्यों कहते हैं इसे? पद्मासन में बैठ के हाथ बीच से निकाले और कान पकड़ लिए, और हार्ट के लिए, हार्ट के लिए आप बता रहे थे ये गोमुखासन बड़ा अच्छा है ना। तो हार्ट के लिए गोमुखासन अप्रतिम है, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, कितना आसान है। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर ऐसे रखा। अब ऐसे कठिन कठिन तो ये जो ना ना, पहले तो गर्भासन था, सुप्त गर्भासन है, इसमें तो ऐसे लगा कि अनलॉक करने के लिए छुड़ाना पड़ेगा इनको। ऐसा लग रहा है शरीर में कोई हड्डी नहीं बची हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।